हाय अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल मैं हूँ आप सबका दोस्त होस्ट आपका अपना मोटर मैकेनिक आमिर सुहेल खान और दर्शकों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दर्श न्यूज़ के लाइव में। रियासत जम्मू कश्मीर की बात की जाए सूबा जम्मू की तो जो बेटियाँ वो हमेशा जम्मू कश्मीर का नाम अव्वल नंबर पर लाने लगी हुई हैं। अगर बात करें हम अपने जम्मू की तो जम्मू की जो बेटियाँ वो हमेशा जम्मू का नाम जो है वो पहले बुलंद दर्जे पर लाती हैं। और इसी तरह से जम्मू की आज एक बेटी आपने कैप्शन तो पढ़ लिया होगा जिनका नाम सृष्टि कौल है, पहले डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया उसके बाद स्टेट रिप्रेजेंट किया एंड फाइनली नेशनल रिप्रेजेंट करके आई हैं यूथ पार्लियामेंट में और पीएम साहब से भी मिली हैं, ये सबसे बड़ी इनके लिए बात है। और उसके साथ ही साथ इनको अवार्ड भी मिला है और ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ वो जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है अर्थ न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। वेल मेरा फर्स्ट सवाल रहेगा आपसे कि आप यहाँ से वहाँ तक पहुँचे क्या कुछ सोचकर आपने कदम उठाया था और कैसे पहुँचे? मैं कुछ सोचा हुआ नहीं था, बस एक ग्रुप पे एक बार मैसेज आया कि एक मॉक पार्लियामेंट होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर जी की ख्वाहिश थी कि ऐसा कुछ हो, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई 2 मिनट की और यूट्यूब पे डाल दी, उसके बाद मैं सिलेक्ट हो गई तो मुझे मौका मिला डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने का। तो मैं गई, कुछ सोचा नहीं था खास कि चलो देख लेते हैं क्या होगा, तो वहाँ भी मैं जीत गई। उसके बाद मुझे मौका मिला स्टेट यूथ पार्लियामेंट में, जहाँ पे जम्मू कश्मीर के 22 डिस्ट्रिक्ट से टोटल 66 स्टूडेंट्स आए हुए थे, वहाँ पे कम्पीट किया तो वहाँ पे भी फर्स्ट आ गई। और उसके बाद मुझे मौका मिला नेशनल यूथ पार्लियामेंट में जाने का। एंड फाइनली नेशनल यूथ पार्लियामेंट में जब आप पहुँचे तो वहाँ पे क्या हुआ वो बात हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाई? वो बहुत अमेजिंग था, सब कुछ ही, वो एटमॉस्फेयर, वो ऑरा बहुत अमेजिंग था। 29 स्टेट्स आई हुई थी पूरी की पूरी और सारे एज डिबेटर्स थे, एक दूसरे को सुनने का मौका मिला, एक दूसरे से कल्चरल एक्सचेंज हुआ, इतने सारे लोगों से मिली तो बहुत अच्छा लगा। डिबेट से पहले जो आपकी कंडीशंस थे वो कैसी थी, कितने नर्वस थे, क्या कुछ एक्साइटनेस थी, कितना डरा हुआपन था? जब वहाँ पे पहुँची मैं, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल स्टेडियम में था हमारा डिबेट, तो पहले बहुत नर्वस थी, मगर दिखाया मैंने किसी को नहीं, एकदम से बाहर ना ऐसे कूल थी बट अंदर से बहुत डरी हुई थी। एंड फाइनली जब आपने रिप्रेजेंट किया उसके बाद जब आपको वो अवार्ड मिला तो उस वक्त कैसा फील हो रहा था? फिर एप्रिसिएशन मनी मिला एंड सर्टिफिकेट मिला तो अच्छा फील हुआ कि कुछ किया है अपनी स्टेट के लिए, कुछ किया है, नाम रोशन किया अपनी स्टेट। पीएम साहब को जब आप मिले उससे पहले कुछ टाइम पहले की अगर बात करें तो क्या सोच विचार मन में चल रहा था कि पीएम को मिलना है, कैसे जाऊं, ड्रेसिंग मेरी कैसे होनी चाहिए, कैसे जाऊंगी, कैसे बात करूंगी, कुछ ना कुछ तो एक्साइटनेस होगी ना, वो व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। तो हम लोग सारे बैठे हुए थे तो सुबह तो नॉर्मल हम लोग ड्रेस वगैरह, सुबह 6 o'clock हम लोग पहुँच चुके थे, हमारा विज्ञान भवन में था, तो 10 o'clock हो रहे थे और पीएम को 10:15 पे आना था। 10 o'clock हुए और हम लोग नॉर्मल हैं, ठीक है चलो आ जाएंगे कोई बात नहीं, और 10:15 हुए और जैसे वो आए तो हम एकदम गूज बम्प्स हो गए, मतलब वो सामने से चल के आए एंड वो नज़ारा मैं भूल नहीं पाऊंगी कभी। वाले उनसे बातचीत हुई आपकी? बातचीत तो नहीं हो पाई उस दिन, सर अभिनंदन वाला केस हो गया था तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ा था सबको, बट उनने हमें एड्रेस किया, हम लोगों से बात की, हम लोगों को अपने विचार बताए। यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका? यूथ के लिए यही मैसेज है कि जो आपका मन करता है, जो आपका पैशन है, उसको परसू करने से कभी भी ना डरें। और मैं स्पेशली यूथ के घर वालों को कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे विश्वास करें और उनको उड़ने दें। अपने पैशन को और अपने स्टडी को, इन दोनों चीज़ों को फॉलो करना कितना डिफिकल्ट रहता है? अगर आप अपने स्टडी को अपने पैशन में इंक्लूड कर लो तो मुश्किल नहीं रहता है बिल्कुल भी। अच्छा फाइनली मेरा सबसे जो खास सवाल है आपके लिए वो ये रहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए सूबा जम्मू के अंदर जितनी भी बेटियाँ हैं लगातार वो आगे बढ़ना चाहती हैं और आगे बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ बच्चियाँ हैं जिनके माता पिता उनको आगे बढ़ने नहीं देते। फाइनली आज तो वैसा वक्त नहीं रहा है लेकिन फिर भी दूर दराज के जो एरियाज हैं, जो बहुत पिछड़े हुए गाँव हैं, वहाँ पर आज भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ के बच्चियों के माता पिताओं के लिए क्या मैसेज है? Exactly, so we cannot deny the fact that women are still confined within the four walls of their houses and are denied all the opportunities and rights. But ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बेटियों को उड़ने देना चाहिए, क्योंकि आज बेटा हो या बेटी हो दोनों बराबर हैं, कोई आगे नहीं है कोई पीछे नहीं है। लड़कियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, be it journalists like you or students like me only, they are at every field doing a fabulous job. तो मत रोको अपने बच्चों को, बस उनको उड़ने दो, उनको पता है उनको क्या करना है, बट उनको सपोर्ट करो। वेल आप जो अपने प्रिपरेशन का टाइम लेते हो वो कितना लेते हो पढ़ने में और अपने डिबेट वगैरह का, इसमें अपने आप को तैयार करने का कितने टाइम का आप अपना वर्कशॉप वर्कआउट लेते हो? डिबेट सी एवरी टाइम जब एक नई डिबेट होती है तो एक नई स्क्रिप्ट आती है, एक नया प्रोसेस होता है पूरा, और मेरी डिबेट लिखने में मेरी मॉम मेरी हेल्प करते हैं हमेशा, तो दो दिन लगता है प्रिपेयर करने में, पूरा स्क्रिप्ट एंड बोलना कैसे है, क्या पॉज लेने हैं, सब कुछ। लीड रोल मॉडल किसको मान के चलते हो? इंदिरा गांधी। ऐसा क्या है? मुझे उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत पसंद थी, उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा बहुत पसंद था, मैंने उनकी सारी वीडियोज़ देखी हुई है यूट्यूब पे एंड आई लव दैट लेडी। सृष्टि कौल अगर नेशनल यूथ पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट ना करती तो फिर क्या करती? तो वो कैनवस पे पेंट कर रही होती अपने ड्रीम्स।
वेल बहुत बड़ी बात है, आपने बातचीत की, अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू. थैंक यू सो मच. वेल ये थी मेरे साथ सृष्टि कौल. आपने खुद मुझे अल्फाज सुन लिया किस तरह से इनका कहना है. सबसे बड़ा सवाल है बेटियों को लेकर, अच्छा जवाब मिला. वैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेटियाँ हैं वो अव्वल नंबर पर आती हैं हमेशा, लगातार आ रही हैं. कहीं ना कहीं जो हमारी बेटियाँ हैं वो हमारा जो नाम है वो फ़खर और शान से बुलंद कर रही हैं. अपनी फैमिली का नाम तो रिप्रेजेंट करती ही करती है नेशनल स्टेट लेवल्स पे, लेकिन साथ ही साथ रियासत जम्मू कश्मीर का नाम भी करती हूँ. सबसे खास बात अगर बताई जाए नहीं बेटियों की, तो वो ये है कि ये अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं, साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करती हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी बेटियों के लिए मिसालें कायम करती हैं जो इनको देख के आगे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती हैं. और जिस तरह इन्होंने नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि अब ये आते समय में इससे भी अच्छा करेंगे. और जिस तरह से इनको हौसला अफजाई मिली हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से भी, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और कहीं ना कहीं वो अपनी बात अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रखती है कि रियासत जम्मू कश्मीर सूबा जम्मू यानी कि मंदरों के शहर से कोई बेटी वहाँ तक पहुँची और वहाँ पे जाके ये एक अवार्ड हासिल किया, ये खुद में सबसे बड़ी बात है. आप भी जुड़े हैं ऐसे नए ताज़ा अपडेट्स पे. वीडियो जर्नलिस्ट शासित चौहान के साथ आमिर शेलखान, जम्मू.